का उसको मनमाने तरीके से समाप्त कर दिया गया। एक लाइन में कहे तो हमारी इतनी सी मांग है कि आजादी से पहले जिस कोड में, जिस धर्म में हमारी गणना की जा रही थी, उसी कोड के अंदर रिस्टोर कर दिया जाए। और ये कहते हैं कि कभी आपको एमिनिट्स गिना गया, कभी ट्राइबल गिना गया, कभी एबोरिजिनल गिना गया, कभी एबोरजाइन मिला गया। हमारा सीधा और साफ तरीका है कि मोस्ट ऑफ टाइम्स अंग्रेजों ने जिस भी कालम में, जिस भी नाम से हमारी जनगणना की जाती थी, वो ही रिस्टोर कर दिया जाए। अभी जो ये सरकार की तरफ से बताया जाता है कि आपके बहुत सारे आवेदन आ रहे हैं अलग अलग धर्म के, हमारा ऐसा मानना है कुछ लोग हमारे गुमराही के कारण, कुछ लोग दूसरे कारणों से, कुछ सरकार भी अपनी तरफ से इस काम को रोकने के लिए अलग अलग आवेदन करवा रही है ताकि एक धर्म के तहत इनको कॉलम नहीं दिया जा सके। तो हमारी सिर्फ, जो भाई अरविंद जी ने अभी कहा कि नो कोड नो वोट, तो हमारा ये साफ तौर पे कहना है कि वो कौन सा दिया जाए, इसका निर्णय करने में सरकार को किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। कारण कि जो हमारा आजादी से पहले था उसको रिस्टोर कर दिया जाए, क्योंकि हकीकत ये है देश का आदिवासी आजादी से पहले आजाद था। 1947 में हम गुलाम बना लिए गए, भारत आजाद नहीं हुआ, आजादी के नाम पे पूरे आदिवासी को गुलाम बना लिया। तो उस गुलामी से मुक्ति तभी मिलेगी जब इस देश का जो मालिक है, मूलवासी है, भारत एबोरिजिनल है, जो इसका मालिक है यहाँ का, उसको पूर्ववत अवस्था में लाया जाए। और हम देश से कोई अलग होने की मांग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 13(3)(1) का ये कहता है कि हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, जो रूल्स हैं, प्रथा हैं, वो सेपरेट होंगी। और जितने भी भारत में हिंदू कानून है उन सभी की धारा 2 की उपधारा में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आदिवासी पर हिंदू कानून लागू नहीं होगा। जब कानून लागू नहीं होगा तो हिंदू कॉलम में हमारी गणना क्यों की जा रही है? और एक बात आप प्रेस के माध्यम से, मैं और निवेदन करना चाहूंगा देश के लोगों से और बुद्धिजीवियों से और सभी न्यायप्रिय लोगों से, कि अभी अभी पिछले 4 साल से 5 साल से भारत में जो सरकार काम कर रही है उसने हम आदिवासियों को खत्म करने का एक नया षड्यंत्र चालू किया है। हमारे बच्चे नौकरियों में जब आवेदन करते थे तो एक धर्म का कालम होता था, सारे धर्म के अलावा हम लोगों के लिए अदर्स का कालम होता था, तो वो अदर्स का कालम ही समाप्त कर दिया है ऑनलाइन के अंदर। और प्रॉब्लम ये आ रही है कि अदर्स के कालम को जब तक आप फिलिप नहीं करोगे तब तक आगे की इन्फॉर्मेशन उसमें भर नहीं सकते हो। तो होता क्या है, मान लीजिए 50 जगह निकली है नौकरी की, उसमें 5 लाख बच्चे आवेदन करते हैं और 5 लाख से हिंदू टिक करना मजबूरी करवा दी गई है। तो हमें हमारे साथ षड्यंत्र रच करके जबरदस्ती हिंदू बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं समझता हूँ देश के लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए। और फिर कहते हैं देश में नक्सलवाद पनपता है, नक्सलवाद कुछ नहीं है, अधिकारों का हनन करोगे तो फिर बोलना पड़ेगा। हमारा साफ कहना है बोलोगे नहीं तो कोई सुनेगा कैसे, लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। इसलिए हम इसी पे बात कर रहे हैं, इंसाफ है हमारा मकसद, साफ सभी के साथ इंसाफ। क्या हमें इंसाफ पाने का हक नहीं है इस देश के अंदर? हम इस देश के मूल मालिक हैं, मूलवासी हैं, एबोरिजिनल हैं, तो पहला हक इस देश के जल जमीन जंगल पे हमारा है। तो व्यवस्थाएं हमारे हिसाब से होनी चाहिए। जब इस देश का संविधान ये कहता है कि आदिवासियों के कस्टम्स ही सब कुछ होंगे, रीति रिवाज ही सब कुछ होंगे, तो आप जबरदस्ती अपने कानून हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हो? इसलिए हमारी ये मांग है कि हमारा सब कुछ रिस्टोर किया जाए। 5वीं और 6वीं अनुसूची में भी ये व्यवस्थाएं हैं कि किसी तरीके का हस्तक्षेप भारत सरकार का नहीं होगा, लेकिन भारत सरकार खुल्लम खुल्ला संविधान का उल्लंघन करते हुए अपने खुद के मनमाने आदेश लागू कर रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आजादी से पहले जो स्थिति थी हमारी वो रिस्टोर की जाए। धन्यवाद आप सभी का। आदिवासी, आदिवासी।